सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए ये संभवतः सुमिता अरोड़ा प्रैक्टिकल बुक का पेज नंबर 12 है और यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो यही है आपका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चलेगा, इस क्वेश्चन से आप क्या समझेंगे उसी के बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पर आई में इनिशियलाइज कर दिया गया है जीरो, ठीक है, आई की इनिशियल वैल्यू जीरो है और यहाँ वाइल लूप का प्रयोग किया गया है और लिखा गया है आई इज लेस देन सिक्स। लेस देन सिक्स का मतलब होता है फाइव, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लेस देन इक्वल टू नहीं दिया गया, केवल लेस देन दिया गया। ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे लेस देन का मतलब हुआ फाइव। अब फाइव का मतलब ये हो गया कि ये फाइव टाइम ही चलेगा, तो फाइव टाइम चलेगा तो यहाँ देखिए यहाँ पे जे की वैल्यू को जीरो रखा गया और यहाँ जे इज लेस देन आई, मतलब जे जो प्रिंट होगा ना वो आई से लेस रहेगा। और क्या प्रिंट करवाना है, स्टार प्रिंट करवाना है, फिर एक बार एंड लगाया गया है तो यहाँ पे एक बार गैपिंग भी होती चलेगी, ठीक है। और यहाँ पे j इज इक्वल टू j प्लस वन, पहले j में जीरो था तो पहले j में जीरो था तो i में क्या था, i में वन हो जाएगा, जब j में जीरो रहेगा तो i में वन हो जाएगा, जब j में वन आएगा तो i में टू हो जाएगा, j इस तरीके से करके ये चलेगा। और लास्ट में यहाँ देखिए इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो इसी के वजह से ये वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ जे की वैल्यू बढ़ेगी, समझ रहे हैं। तो अब जो ये पैटर्न प्रिंट होगा वो किस तरीके का पैटर्न होगा, देखिए ये पैटर्न जो है पहले आई की वैल्यू वन, तो यहाँ देखिए वन टाइम जो है स्टार प्रिंट होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे टू टाइम स्टार प्रिंट होगा, ठीक है, फिर थ्री टाइम स्टार प्रिंट होगा, समझिए बात को, ठीक है। इस तरीके से आप आउटपुट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आउटपुट क्या आएगा इसका, समझ रहे हैं। तो ये आसान है, थोड़ा सा एक दो चार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीजें समझ में आएंगी, लेकिन अगर यही प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो कुछ भी एक अच्छा नहीं समझ में आएगा। तो प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहिए, हम तो यही सलाह देंगे। और चूंकि यहां पर i इज लेस देन 6 दिया गया है, देखिएगा ध्यान से, i इज लेस देन 6, लेस देन 6 का मतलब होता है 5, तो ये 5 टाइम ही चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये लगातार कंटिन्यू में चलता जाएगा, तो ये 5 टाइम, अब यहां पे ये बंद हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे j की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखिए ये, देखिए ये इस तरीके से, ये इस तरीके से प्रिंट होगा, ठीक है ना, तो ये प्रिंट हो जाएगा। आप एक बार इसको चला भी लेते हैं, सेव कर लीजिएगा .py लगा करके, सेव करिएगा .py लगा करके, तो यहां से आप 5 जैसे ही करेंगे ना तो ये प्रोग्राम हमारा प्रेस करेंगे, देखिए ये देखिए, तो ये प्रोग्राम हमारा एक्सिक्यूट होगा, देखिए ये 5 टाइम ही बन रहा है, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 .py लगा करके सेव कीजिएगा, देखिए ये एक बार गैप। अब देखिए यहां पे एंड दिया गया है, एंड, ठीक है, देख रहे हैं एंड, और यहां पे एक बार गैपिंग करी गई है, तो देखिए ना यहां पर एक बार गैपिंग है, ठीक है, फिर यहां पर एक बार गैपिंग है, फिर यहां पर एक बार गैपिंग है, फिर यहां पर गैपिंग है, तो देखिए यहां पर गैपिंग कितने टाइम है, 1 2 3 4 टाइम गैपिंग यहां पे है, सबसे ऊपर वाला, यहां पे 3 टाइम है, यहां पे 2 टाइम है, यहां पे 1 टाइम है, देख सकते हैं। और यहां पे कोई भी गैपिंग लास्ट वाले में नहीं दी गई है, तो ये प्रोग्राम को आप ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आसान है प्रिडिक्शन लगाना, ठीक है, प्रैक्टिस लेकिन होनी चाहिए तभी हो पाएगा, ठीक है।